हेलो गाइस, स्वागत है हम एक नया वीडियो पे। गाइस, इस वीडियो पे मैं पिक्सर और लाइटरूम को यूज़ करके बहुत आसान तरीके से एक शानदार एडिट करना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये एडिट देखना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप तक देखते रहिए। और गाइस, एक नया अनाउंसमेंट है कि मैं इस चैनल में फोटोग्राफी रिलेटेड बहुत सारा अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ, जैसे कि बहुत सारा मोबाइल का लेंस, कैमरा का लेंस, बहुत सारा कैमरा ट्राइपॉड वगैरह वगैरह। लेकिन वो मैं करूँगा 1K सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद ही। तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो सो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड ऑयन एंड वेलकम टू शर्मा फोटोग्राफी। तो आ गए हम मोबाइल की स्क्रीन पे, तो इंट्रो के बाद आपसे मिलते हैं इसी फोन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो कैसे हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। हम पिक्सर ओपन कर लेंगे और पिक्सर से वो फोटो चूज कर लेंगे। हाँ, तो गाइस पहले एक वाइट पेपर ले लेते हैं और आप एक आप वो फोटो के बनिए। देखिए, मैंने फोटो ऑप्शन में जाके ऐड फोटो ऑप्शन जाके ये फोटो सिलेक्ट कर लिया। हाँ गाइस, इस फोटो को हम यूज करने वाले ऐसे बैकग्राउंड। तो पहले इस फोटो को ठीक से साइड कर लें। अब लेयर में जाके, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा साइड हो गया था, तो फिर से रेन्यू करने के लिए बस आपको, अब नहीं चाहो तो एक नहीं करने का जरूरत नहीं। हाँ गाइस, तो फिर हम आ गए हैं फिर एक नया फोटो ऐड करने के लिए, इसका फोरग्राउंड के लिए। तो फोरग्राउंड जो होना चाहिए थोड़ा सा लाइट ही होना चाहिए। तो हम एक लाइट का पीएनजी डाउनलोड कर लेते हैं। इस लाइट का को देखिए जरा आप, ये लाइट जो है एक साइड ही लाइट है और बाकी साइड जो है इसका काला बॉर्डर है, तो लगेगा कि लाइट पीछे से निकल रहा है, इसीलिए हमने ये लाइट यूज करा। आप पीएनजी यूज कर सकते हो, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे एडजस्ट कर लेते हैं, हम इसको सॉफ्टन कर लेते हैं। अब देखिए ये लाइट बिल्कुल मैच हो गया। तो हम फिर से जाएंगे ऐड फोटो में और फिर एक और नया फोटो ऐड करेंगे, एक और नया पीएनजी ऐड करेंगे। देख सकते हो वो ये पीएनजी बिल्कुल सेम है, मतलब ऐसा ही सेम है जो हमने पहले ऐड किया उससे सही है। इस पीएनजी को तो सब ठीक से लगा लेते हैं हम। ये गाइस लगा दिया हमने। अब हम चूज करेंगे फोरग्राउंड ऐड करने वाले। अब फिर से नया फोटो ऐड करने के लिए हमने इस फोटो को फोरग्राउंड की तरह यूज करेंगे। तो हम पहले से क्रॉप करके इसे ऐड कर लेते हैं फोटो में। हाँ गाइस, तो इससे हमने लगा दिया। अब देखो आप लोग, लग रहा है ना, एक मिनट। हाँ देखो, अब लग रहा है ना, ये बिल्कुल ये फोटो जो है बिल्कुल इसी से निकल के आ रहा है। अगर इसे लग चुका है, बस अब इस फोटो को सेव कर लेते हैं और अब बाकी का एडिट होगा लाइटरूम पे। तो ओपन लाइटरूम ऐप। अगर इस लाइटरूम ओपन कर चुका है तो हम इसी तरह सही से ठीक कर लेते हैं, सही से लगा लेते हैं। अब हम इस फोटो को बस बेसिक कुछ काम करना है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट ऐड करना है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाना है। अब चाहो तो कोई लाइटरूम का फ्रेम भी यूज कर सकते हो। तो इस बार मेरे पास पहले से फ्रेम है, तो मैं इसे यूज कर लेता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। हाँ बस इसको फिर थोड़ा सा कलर कलेक्शन करेंगे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का ही कुछ कलर कलेक्शन करेंगे। हाँ, ये कलेक्शन हो चुका है। अब बेसिकली करना है जैसे कि वाइजेंटी बनाना है, टेम्परेचर को हटाना बनाना है, ये सब करना है। तो मैं वाइजेंटी को पूरा फुल कर देता हूँ, जैसे कि लगेगा कि लाइट आ रहा है। अब देख ही सकते हो वाइजेंटी ऐड हो चुका है। ओके गाइस, अब बढ़िए डिटेल बढ़ा देंगे हम। ओके गाइस, तो फाइनली इसके बाद आप सेव कर लेंगे।
गाइस हमारा एडिटिंग इधर ही कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फोटोग्राफर और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर देना। और अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशन करना चाहते हो या कुछ एडिटिंग का टिप्स देना चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अगर चाहो तो मैं आपका फोटो एडिट ऐसे कर दूँ तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में मिल सकते हो। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। कीप क्लिकिंग एंड कीप एडिटिंग। Thank you very much and bye bye.